हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से चार दिन तक पांच प्रत्याशियों ने किए अपने नामांकन दाखिल। सुमेरपुर विधानसभा से चौथे दिन तक कुल पांच प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी विनोद मल्होत्रा के समक्ष नामांकन दाखिल किए। गुरुवार को जेडीयू के प्रत्याशी हेमराज माली ने सैकड़ों की संख्या में जुलूस के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उदाराम मीना ने दो नामांकन दाखिल किए, जिसमें से एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के नामांकन है। निर्वाचन अधिकारी विनोद मल्होत्रा ने बताया कि आज तक कुल 30 फॉर्म कार्यालय से जारी किए गए हैं। वहीं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने से भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी चिंता सता रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजस्थान भर में अभी तक लिस्ट जारी नहीं करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी चिंता के साथ कई दिग्गजों के नाम इधर उधर होने के संकेतों से बड़े बड़े कांग्रेस के उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोई दिल्ली तो कोई जयपुर में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कोई किसी की पैरवी करने में तो कोई किसी का टिकट कटवाने में, कोई अपना स्वयं का टिकट लगाने के चक्कर में कई दिनों से दिल्ली व जयपुर में डेरे जमाए बैठे होने की जानकारी मिल रही है। मेरे से यही अपेक्षा रहेगी कि मैं डेवलपमेंट का प्लान लेके आया हूँ और किसानों के लिए आया हूँ और युवा शक्ति जागरूक करने के लिए, जो सुमेरपुर विधानसभा के नागरिक है और जिनको अभी तकलीफें हो रही है, क्योंकि शहर में तो ठीक है लेकिन जो गांव वालों को जो तकलीफें होती है रोड से लेके पानी से लेके हर चीज़ों को, किसानों को चाहिए उतना पानी नहीं मिलता, सही टाइम पे बिजली नहीं मिलती है, उसकी वजह से किसान हमारे फसल नहीं ले पा रहे। और वो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे पास कि मैं गांव वालों के हर खेत तक पानी पहुँचाऊँगा, जिससे वो साल में 3 से 4 बार फसल ले सके। जवाई पुनर्भरण का तो अभी आ जाएंगे राज में तो देखेंगे, इन्होंने जो जो घोषणाएं की है उसका रियलिटी क्या है वो सामने लाऊंगा। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।